प्रदेश में बसों से मजदूरों को भेजने पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही और इस पूरे मसले पर कांग्रेस बीजेपी पर मजदूरों की पीड़ा न समझने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस के द्वारा राजनीति करने की बात कह रही है और अब मामले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही हैं। रेणुका सिंह का कहना है कि प्रियंका वाड्रा को अन्य प्रदेश के मजदूर क्यों नहीं दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी प्रवासी मजदूरों को लाने की मांग लगातार हो रही है लेकिन उनको यहाँ के मजदूरों की पीड़ा नहीं दिखती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं, बावजूद इसके वे उत्तर प्रदेश में ड्रामा कर रहे हैं। उनकी सरकार है जो प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के जनता की भी चिंता करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे लोग दिल्ली में फंसे हैं, बॉम्बे में फंसे हैं, जम्मू कश्मीर में फंसे हैं, सूरत में फंसे हैं, उज्जैन में फंसे हैं, बहुत कई शहरों में फंसे हुए हैं। तो उनकी चिंता प्रियंका गांधी क्यों नहीं कर रही है?